नमस्कार दोस्तों, मैं अभिलाष एक बार फिर से बिजनेस फंडा चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको दिखाने वाले हैं किस तरह से वेलवेट पेंसिल को बनाया जाता है, इसमें क्या क्या रॉ मटेरियल यूज़ होता है, इसकी कितनी कॉस्टिंग होती है और आपको इसकी मशीन कहाँ से मिलेगी और कितने की मिलेगी। इसी के बारे में डीपली बताने के लिए हमारे साथ मिस्टर गौरव जी हैं। और दोस्तों, अगर अब तक आपने हमारे चैनल बिजनेस फंडा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसके रेड बटन के ऊपर क्लिक करके बिजनेस फंडा को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही में बेल आइकन के ऊपर प्रेस कर दीजिए, इससे आपको हमारे नई नई वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। सर, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहते हैं जो पेंसिल होती है कितनी तरह की होती है। सर, वेलवेट पेंसिल होती है ये दो तरह की होती है, एक तो इसमें जो मटेरियल होता है वो आपका पॉलीमर पेंसिल होता है और एक आपका पेपर पेंसिल होता है। ओके, तो सर इसमें से कौन सी पेपर पेंसिल है, कौन सी पॉलीमर पेंसिल है, एक बार आप दिखाएंगे। सर, ये सर सामने आपको दिख रहा है ये वाला, ये आपका पॉलीमर पेंसिल है। अच्छा, ये आपका जो वेस्ट प्लास्टिक होता है, जो प्लास्टिक की पॉलीथिन होती हैं ये उससे बनता है। ठीक है, तो वेस्ट पॉलीथीन जो होती है ये उससे बनता है, इससे जो हम लोग कूड़े में फेंक देते हैं यूज़ करने के बाद, फेंक देते हैं जो व्हाइट कलर का होता है प्लास्टिक होता है, उससे हम लोग उसको रिसाइकल करके अच्छा बना लेते हैं। रिसाइकल करके तो एनवायरनमेंट के लिए बहुत अच्छा है। हाँ बिल्कुल, ये एनवायरनमेंट के लिए ईजी रहता है और हमारे लिए इको फ्रेंडली चीज बन जाती है हमारे। ओके, और ये जो पेंसिल है शायद ये वेलवेट पेंसिल होंगी, ये आपका पेपर पेंसिल होती है। अच्छा, ये पेपर पेंसिल होती है, वेस्ट पेपर होता है ना, न्यूज़ पेपर वगैरह होता है, जैसे आप जो पेपर आप डेली यूज पढ़ते हैं जो आपका घर पे आता है उससे आप यूज़ करके बना सकते ये हैं। वेस्ट पेपर से पेंसिल बन जाती है, पेंसिल बन जाती है। और सर, इस पेंसिल को बनाने के लिए हम रॉ मटेरियल क्या क्या यूज़ करते हैं? वेलवेट पेंसिल को बनाने के लिए सर सबसे पहले आपको रॉ मटेरियल चाहिए होता है कि पेंसिल आप कौन सी यूज़ करते हैं। आपको एक तो पॉलीमर पेंसिल आता है और एक आपका पेपर पेंसिल आता है। इसके बाद सर इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, आप इसमें वेलवेट पाउडर आकर के आता है, वेलवेट पाउडर, ये वेलवेट पाउडर बोलते हैं, ये आपको आपको डिफरेंट डिफरेंट कलर में आते हैं, जो भी आपको कलर चाहिए उसे ईजिली मिल जाता है। और इसमें फिर आपका गम का यूज़ होता है, मतलब तीन तरह का इसमें रॉ मटेरियल यूज़ होता है, पेंसिल, गम और वेलवेट पाउडर। ओके, वेलवेट पाउडर। तो सर ये आप एक बार इसकी कॉस्टिंग बताएंगे, जैसे हमारा वेलवेट पाउडर है ये हमें किस कॉस्ट में मिल जाता है? ये सर वेलवेट पाउडर आपको 400 रुपये का एक केजी आता है। एक अच्छा। एक पहली चीज़ तो सर ये इसमें वेस्ट नहीं होता, जितना आप अच्छा। यूज़ करते हैं यूज़ हो जाता है, पूरा यूज़ हो जाता है, वेस्ट नहीं होता है। हाँ, ये 400 रुपये का आपका पैकेट आता है एक केजी का। एक केजी का, इसमें कितनी पेंसिल बन जाती है सर? इसमें करीबन 4000 पेंसिल बन जाती हैं आपकी। अच्छा, एक केजी में 4000 पेंसिल बन जाती हैं। और उसके बाद हम बात करें गम की, तो ये गम का प्राइस कितना होगा सर? ये आपको 50 रुपये का आपको पर केजी गम आता है, 50 केजी, इसमें कि आपकी 1500 मतलब पेंसिल बन जाती है। 50 रुपये का में एक केजी आएगा और 1500 हमारी पेंसिल बन जाएगी। और इसी तरह से अगर पेंसिल की कॉस्ट की बात की जाए तो पॉलीमर पेंसिल कितने की आती है सर? सर पॉलीमर पेंसिल पड़ेगी आपको 80 पैसे की पड़ती है एक पेंसिल। रेडी रॉ पेंसिल जो है हमें ये रॉ मटेरियल जो है, ये रॉ मटेरियल हमें जो है ये 80 पैसे पर पेंसिल पड़ेगी। और जो वेलवेट वाली है वो मतलब पेपर पेंसिल, पेपर पेंसिल आपको 1 रुपये 40 पैसे की पड़ती है। अच्छा, 1 रुपये 40 पैसे की पड़ती है, 40 पैसे की हमें पड़ जाती है। और उसके बाद ये सारा कुछ लगाने के बाद पर पेंसिल की हमें कॉस्टिंग कितनी आ जाती है? पॉलीमर पेंसिल को पकड़े तो वो 1 रुपये 35 पैसे के आसपास बन जाती है आपकी पूरी यूज करके। और जो पेपर पेंसिल है वो आपको करीबन वेलवेट में कन्वर्ट होकर 1 रुपये 80 पैसे की बन जाती है। 1 रुपये 80 पैसे की बन जाती है। और सर मार्केट में जो इसका प्राइस है, अगर हम रिटेल की बात करें, सबसे पहले रिटेल में अगर कोई कस्टमर लेने जाता है शॉप से तो उसे कितने में मिलती है ये? सर ये करीबन रिटेल वाले की बात करें तो 8 से 7 रुपये में एक पेंसिल मिल जाती है। ओके, 8 से 7 रुपये में मिल जाती है। क्योंकि अगर आप इसको ऑनलाइन चेक करेंगे तो ऑनलाइन इसका काफ़ी कॉस्ट है आपका, करीबन 15 से 18 रुपये का एक पेंसिल ऑनलाइन। अमेज़न, फ्लिपकार्ट, अमेज़न चेक करेंगे तो 15 से 18 रुपये में बिक रही है पेंसिल। और ये होलसेल में जो बेचेंगे वो कितने में बिक जाएगी लगभग? होलसेल में भी सर आप मान लीजिए आपको 3.5-4.5 में बेच सकते हैं आप। तो इसमें मतलब अगर बात की जाए तो इसमें अच्छा प्रॉफिट है। अच्छा प्रॉफिट है सर इसमें। आप बस जो भी इस काम को स्टार्ट कर रहे हैं उसके अंदर सेलिंग स्किल होनी चाहिए। मेन चीज़ है सर आपका सेलिंग पर डिपेंड है। आप अगर इसको अगर 3000 पीसेस बनाते हैं डेली का प्रोडक्शन आपका है और आप डेली का प्रोडक्शन आपका सेलिंग हो भी रहा है, अगर 1 रुपये भी आपका डेलिंग सेलिंग का हो रहा है अच्छा तो आपको 3000 रुपये बच जाएंगे। लेकिन मेन सेलिंग के ऊपर, मेन सेलिंग के ऊपर प्रॉफिट है कि आप कितना ज़्यादा सेल कर सकते हैं। ये नहीं है कि आपने जाके घर पे मशीन लगा ली और आपको पर डे 3000 मिल जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो आपके अंदर सेलिंग स्किल का होना भी बहुत जरूरी है। प्रोडक्शन से प्रॉफिट आएगा, सेलिंग से आपको प्रॉफिट आएगा। तो सर ये जो वेलवेट है ये इस पर जो है किस तरह से लगाया जाता है? सर ये वेलवेट है, ये एक मशीन आती है हमारे पास। अच्छा, अच्छा। एक हमारा इलेक्ट्रिकल पैनेगल होता है और एक हमारा एक फॉर्मिंग मशीन होती है। अच्छा, मतलब एक मशीन दूसरे को पावर सप्लाई करती है। तो उसमें हम लोग ये वेलवेट पाउडर यूज़ करते हैं, ये वैक्यूम के थ्रू सारा इस पर चिपक जाता है। इसमें हम लोग गम पे यूज़ करते हैं, गम लगाते हैं, मैनुअल एक स्टैंड होता है, स्टैंड पे हम लोग जो पेंसिल होती है स्टैंड पे हम लोग इस पर गम लगाते हैं और गम के बाद हम दूसरी मशीन डाल देते हैं। उसमें वैक्यूम से सारा जो वेलवेट होता है इस पर चिपक जाता है। उसके बाद उसको ड्राई कर सुखा देते हैं। तो पर डे का आपने हमें प्रोडक्शन बताया 3000 पीस का, कि हम अगर एक मशीन लेके स्टार्ट करते हैं तो पर डे से हम 3000 पेंसिल बना सकते हैं। जी बिल्कुल। तो दोस्तों अभी वीडियो में आगे आपको दिखाएंगे किस तरह से जो इसका आपका प्रोडक्शन करेंगे, हम आपको मशीन का यूज़ करना भी दिखाएंगे किस तरह से आप मशीन का यूज़ कर सकते हैं।
दोस्तों आप देख सकते हैं ये जो है वेलवेट पेंसिल बनाने की मशीन है, ये जो है हमारा इलेक्ट्रिकल पैनल है और जो फॉर्मिंग मशीन है। ये इलेक्ट्रिकल पैनल से फॉर्मिंग मशीन को जो है लाइट देते हैं और इलेक्ट्रिकल पैनल में हम 30 सेकंड का जो टाइम सेट होता है इसमें, क्योंकि हमारी जो 4 पेंसिल है वो 30 सेकंड में बनकर तैयार हो जाती है। आगे हमारे साथ गौरव जी हैं जो आपको दिखाएंगे डेमो किस तरह से पेंसिल रेडी होती है। सर एक बार आप दिखाइए। आपका स्टैंड होता है, इसमें आपको 4 पेंसिल आप फिट करती है, चाहे वो आपका पेपर पेंसिल हो चाहे आपका पॉलर पेंसिल हो, ठीक है। उसके बाद इसमें आपको गम लगाना है ब्रश फिट करके, हमें इसके ऊपर गम लगाना है, चारों पेंसिल पर आप गम लगा दीजिए और गम लगाने के बाद इसको आप फॉर्मिंग मशीन में डाल दीजिए। फॉर्मिंग इसके पीछे एक मैगनेट होता है, अच्छा मैगनेट होता है, फॉर्मिंग मशीन के पीछे मैगनेट होता है, इस पर रख लगा देते हैं। और जो हमारा वेलवेट का पाउडर होता है वो मशीन में पहले से डाल दिया है, ठीक है। उसको बंद कर दीजिए आप और आपने यहाँ पे एक बटन जो होता है उसको प्रेस कर दीजिए। ओके, इसे ऑन कर दीजिए। ऑन कर दीजिए। अच्छा, ये मशीन अब हमारा चलने लगी है। क्वांटिटी चल रही है, देख सकते हैं कि पूरा वेलवेट हो रहा है यहाँ से। तो हमने जो उसके ऊपर गम लगाया था तो गम के ऊपर ये वेलवेट पाउडर चिपक जाएगा। चिपक जाएगा और उसके बाद हम देख पाएंगे इस तरह की पेंसिल बन जाएगी, जो भी आप कलर डालेंगे वेलवेट पाउडर आपको बन जाएगा। तो दोस्तों आप देखिए पेंसिल है काफ़ी ज़्यादा अच्छी दिख रही है। इस पेंसिल का फायदा क्या है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है, आप इसे हाथ में पकड़ेंगे तो काफ़ी सॉफ्ट रहेगी। जैसे बच्चे यूज़ करते हैं, अगर हम लकड़ी की पेंसिल की बात करें काफ़ी ज़्यादा हार्ड होती है, थोड़ा टाइम काम करने के बाद जो है हाथ में दर्द होने लगता है। तो वेलवेट पेंसिल का यही फायदा है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है, लंबे टाइम आप इससे काम करेंगे तभी आपके हाथ में दर्द नहीं होगा। कि हम जो बचपन में खुद पेंसिल यूज़ करते थे, पकड़ने के बाद लंबे टाइम काम करने के बाद खुद हाथों पर जो है निशान पड़ जाते थे, तो ये काफ़ी सॉफ्ट है। आप अपने बच्चों के लिए इस पेंसिल को यूज़ कीजिए, काफ़ी अच्छा रहेगा। अभी बाकी मशीन हमारी चल रही है, पेंसिल रेडी होने वाली है, हम आपको भी निकाल के दिखाते हैं। और ये आपका वेलवेट हो गया। ओके, पूरा आपका ये तैयार हो गया है, तैयार हो चुका है, जैसा हम देख। तो ये 30 सेकंड में हमारी 4 पेंसिल बन गई हैं। और इसी तरह से प्रोडक्शन की बात करें तो हम दिन में 3000 पेंसिल बना सकते हैं। इसको अब निकालने के बाद इसको ड्राई करना है। अच्छा, निकालने के बाद हमें इसे धूप में सुखाना है। ओके, तो हम अगर रूम के अंदर सुखाएंगे ज़्यादा टाइम लगेगा, इसे धूप में सुखाएंगे तो आराम से सूख जाएगी। तो इस तरह से जो है हम ये अपनी पेंसिल बना सकते हैं। ओके, ये इस तरह से बनके रेडी हो जाएगी। आपने प्रोसेस आप डिफरेंट डिफरेंट कलर यूज कर सकते हैं। ओके, जिस कलर का वेलवेट पेपर यूज करेंगे, वेलवेट पाउडर यूज करेंगे, उस तरह की पेंसिल बन जाएगी। ओके, तो आप इसमें डिफरेंट डिफरेंट कलर का जो वेलवेट पाउडर यूज करके डिफरेंट डिफरेंट पेंसिल्स बना सकते हैं। जैसे अगर आप यहाँ पे देखें तो अलग अलग कलर की पेंसिल्स रखी हुई हैं, जिस कलर की भी आप पेंसिल बनाना चाहें आप उस तरह की बना सकते हैं। ये जो है मशीन जो ऑपरेट करना है काफ़ी ज़्यादा इजी है, आपने देखा ही है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। तो आप इसे बिना ट्रेनिंग के घर पे स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर आपको मशीन चाहिए तो आप सर से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, सर की कंप्लीट डिटेल्स हमने अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप वहाँ पर चले जाइए और सर से कॉन्टैक्ट कर लीजिए और मशीन जो है आपको ऑनलाइन मिल जाएगी। सर, ये मशीन का प्राइस कितना होगा? इस मशीन का जो प्राइस है वो 40,000 है प्लस 12% GST है। अच्छा, 40,000 प्लस 12% GST। तो अगर कोई जैसे पंजाब में या बिहार में मंगवाना चाहे तो यहाँ से मशीन आप भेज देंगे? बिल्कुल, हम कोरियर के थ्रू यहाँ से मशीन भेज देंगे। कोरियर के थ्रू आप यहाँ से मशीन भेज देंगे। और रॉ मटेरियल की बात करें तो रॉ मटेरियल आपके पास से मिल जाएगा? रॉ मटेरियल सारा मिल जाएगा आपको, स्टैंड होता है, पॉलीमर पेंसिल या फिर पेपर पेंसिल, गम वगैरह, गम वाले पाउडर सब मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो दोस्तों रॉ मटेरियल का और मशीन का प्राइस हमने बता ही दिया, अगर आप सर से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और सर की आपने जैसे बताया कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स हैं। दोस्तों इसी तरह से हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बिजनेस फंडा को देखते रहिए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सर।